दिल्ली गैंगरेप के बहाने शुरू हुई चर्चा को चौथे दिन और आगे बढ़ाते हैं। जिस यूपी की वो बहन थी जिसके साथ बलात्कार पर पूरा हिंदुस्तान जागा हुआ है, उसी यूपी की एक और बहन के बलात्कार पर हिंदुस्तान पिछले कई साल से सोया हुआ है। महिलाओं की संस्था एडवा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुभाषिनी अली ने जो बताया वो जानकारी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। उनके मुताबिक 12 साल की एक गरीब परिवार की लड़की के साथ एक बड़े नेता के भतीजे ने बलात्कार किया। लेकिन इस मुल्क का इंसाफ देखिए कि रेप के समय नाबालिग रही वो लड़की न्याय की उम्मीद में दर दर भटकती हुई अब बालिग हो चुकी है, और घटना के समय नेताजी का जो रेपिस्ट भतीजा बालिग था उसे इस देश की कानूनी प्रक्रियाओं का पूरा पूरा इस्तेमाल करते हुए नाबालिग करार दिया गया। 5-6 साल में लड़की 50 बार से ज्यादा अपने बयान दर्ज करा चुकी है, लेकिन इंसाफ शायद उसके लिए बना ही नहीं है। इसी बिहार में पूर्व आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल ने बताया कि श्वेत निशा उर्फ बॉबी हत्याकांड को सबूतों के बावजूद राज्य के रसूखदार लोगों ने दबा दिया था। यकीन मानिए कि पटना गैंगरेप मामले में भी राज्य की पुलिस अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करते हुए भी 2 हफ्ते तक सिर्फ इसीलिए सोई रही कि उसे इसमें किसी रईस जादे का नाम आने का संदेह था। पुलिस ने अपने तौर पूरा इंतजाम किया कि ऐसा कोई नाम सामने नहीं आ सके। लब्बो लुआब ये कि देश भी जागा है, नेताजी भी जागे हैं, अभिनेता जी भी जागे हैं, पुलिस भी जागी है, सरकार भी जागी है, पर वैसे गुनहगारों के लिए जिन्हें बचाने में किसी की दिलचस्पी नहीं हो सकती, जो किसी माननीय नेता, ब्यूरोक्रेट या धन कुबेर के घर का चिराग नहीं हो, जो कानून को खरीद नहीं सकता, जो पुलिस को खरीद नहीं सकता, जो मीडिया को मैनेज नहीं कर सकता, और जिसकी भूलों पर दुनिया जहान में कोई ये कहने वाला नहीं हो कि जवानी में ऐसी गलतियां हो जाया करती हैं। कौन कहता है कि इस मुल्क में बलात्कारी को फांसी नहीं मिल सकती? अजमल कसाब से पहले धनंजय चटर्जी नाम के एक बलात्कारी को ही फांसी दी गई थी। अगर फांसी देने से बलात्कार रुक सकता है तो गुनहगारों को फांसी दो। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर तालिबानी तरीके से ही गुनहगार चेतेंगे तो तालिबानी तरीका भी अपना लो। देश बलात्कार से मुक्त होना चाहिए, लेकिन क्या यह फांसी, यह तालिबानी तरीका सिर्फ धनंजय चटर्जी शरीकों के लिए या फिर रसूखदारों की बिगड़ैल औलादों के लिए भी? कहने के लिए कानून इस देश में सबके लिए एक समान है, पर सिर्फ कागजों पर। दिल्ली की बहुचर्चित घटना के बाद दिल्ली समेत कई जगहों पर अनगिनत घटनाएं हो चुकी हैं। मुद्दा अभी गर्म है, इसलिए उनमें से कुछ पर लोगों का ध्यान गया है, बहुतों पर नहीं गया है। कुछ के लिए लड़ाई अभी लड़ी जा रही है, बहुतों के लिए नहीं लड़ी जा रही है। जिन मामलों पर किसी का ध्यान नहीं गया है उन मामलों का क्या होगा? या फिर जब यह मुद्दा ठंडा पड़ जाएगा, मीडिया ऐसी खबरें दिखाते दिखाते बोर हो जाएगा, मोमबत्ती जलाने वाली उंगलियों में छाले पड़ जाएंगे, रोने वाली आंखों के आंसू सूख जाएंगे, तब पूरे देश में हमारी बहन बेटियों को कौन बचाएगा? क्या हम और आप इतना जाग चुके हैं कि इंसाफ का सिर फिर से इस देश में शर्म से नहीं झुके और हमारी बहन बेटियां हमारी धरती पर महफूज रह सकें? चर्चा कल भी जारी रहेगी।